मछली पकड़ना समुद्री किनारे पर रहने वाले लोगों का मुख्य पेशा है और मछली उनके भोजन का मुख्य अंग है। केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में, खासकर चीन, जापान आदि में भी ऐसा ही होता आ रहा है। नकल करने के लिए अकल की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए कोई भी कार्य सोच समझ कर करने की आदत डाल लेनी चाहिए। आज की कहानी है सुनहरा टापू। समुद्र के किनारे एक गाँव था रंगपट्टनम। उस गांव के मुखिया का नाम स्वामीनाथन था। उसके पास बहुत सी नावें थीं। गांव के मछुआरे उसकी नावों से समुद्र में मछलियां पकड़ने का काम करते थे। उन मछलियों को स्वामीनाथन ले आता। वह मछुआरों को थोड़ी थोड़ी मछलियां दे देता और बाकी बची मछलियां उसकी नौकर शहर में बेच आते। उसी गाँव में शैलू नाम की एक लड़की रहती थी। वह अपने पिता के साथ अक्सर समुद्र के किनारे चली जाती थी और वहीं खेला करती थी। यदि कोई मछली लहर के साथ तट पर बह आती तो सालू उसे उठाकर वापस समुद्र में फेंक देती थी। मछुआरों के जाल में भी जब विशेष जाति की कोई मछली आ जाती तो वे उसे समुद्र में छोड़ देते। सालू के पिता ने उसे बताया था कि वह मित्र मछली होती हैं। वह खतरे में पड़े मनुष्य की सहायता करना पसंद करती हैं। सालू को सुनकर अचंभा हुआ था। एक दिन मछुआरे समुद्र में मछलियाँ पकड़ने गए, उसी बीच तूफान आ गया। सब मछुआरे घर वापस आ गए लेकिन सालू के पिता वापस नहीं आए। सबके साथ सालू ने भी मान लिया कि वे समुद्र में ही डूब गए होंगे। अब अक्सर सालू समुद्र के किनारे बैठी रोती रहती। एक दिन सालू पिता की याद में समुद्र के किनारे बैठी जोर जोर से रो रही थी। तुम क्यों रो रही हो प्यारी लड़की, अचानक समुद्र से एक आवाज़ आई। सालू ने इधर उधर देखा तो पाया एक प्यारी मछली उससे प्रश्न पूछ रही थी। मेरे पिता एक दिन मछली पकड़ने समुद्र में गए पर आज तक वे वापस नहीं लौटे, रोते रोते सालू ने कहा। अरे इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है, तुम्हारे पिता कहाँ हैं मैं जानती हूँ, मछली ने बताया। सच्ची, यह सुनकर सालू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मुच्ची आओ तुम मेरी पीठ पर सवार हो जाओ, मछली ने सिर झुकाते हुए कहा। सालू उछल कर मछली की पीठ पर बैठ गई। मछली तेज़ी से पानी में तैरने लगी। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी जिन्हें देखकर सालू मछली की पीठ से चिपक जाती। कुछ ही देर में मछली टापू के पास जा पहुंची। इसी टापू पर तुम्हारे पिता रहते हैं, आओ मैं तुम दोनों को तुम्हारे किनारे पर पहुंचा दूं, मछली सालू से बोली। सालू ने देखा कि पूरा टापू सुनहरा चमक रहा था। उसने इस टापू के बारे में पहले सुना था कि समुद्र के बीचों बीच एक सुनहरा टापू है, उसकी मिट्टी में सोना है। सोचते हुए सालू टापू पर चली गई। वहाँ उसके पिता बेहोशी की हालत में पड़े थे। सालू ने उनके मुंह पर पानी छिड़का तो वे होश में आ गए। सालू को देखकर वे बहुत ही प्रसन्न हुए। पिता ने सोने के कणों वाली मिट्टी कपड़े में बांधी और मित्र मछली की पीठ पर बैठकर दोनों अपने किनारे वापस गाँव आ गए। सालू के पिता को देखकर सभी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बताया कि तूफान में नाव डूब जाने के बाद समुद्र की लहरों ने उन्हें सुनहरे टापू पर पहुंचा दिया था। टापू पर सोना ही सोना था। सालू के पिता ने अपने साथ लाया सोना बेचकर बहुत सी नावें बनवा ली और परिवार के साथ मिलजुल कर मछलियां पकड़ने लगे। अब कोई भी श्री स्वामीनाथन की नाव मांगने नहीं जाता। एक दिन स्वामीनाथन ने सोचा कि वह भी सुनहरे टापू पर जाकर सोना ले आएगा। गाँव वालों ने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं माना। सालू के पिता की तरह वह भी अमीर बनना चाहता था। आखिरकार वह सुनहरे टापू की ओर चला गया और फिर वहाँ से कभी नहीं लौटा। कुछ दिन प्रतीक्षा करने के बाद गांव वालों ने सालू के पिता को ही अपना मुखिया चुन लिया और सब मिलजुल कर काम करने लगे। धीरे धीरे पूरा गांव खुशहाल हो गया। अधिक लालच न करना, मिलजुल कर काम करना, सहायता करना तथा समस्या समाधान के लिए विचार विमर्श के लिए तैयार रहना, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। फिर होगी मुलाकात एक नई कहानी के साथ।